देवरीना, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सबसे आसान और टेस्टी पालक पनीर का रेसिपी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले अपने क्वांटिटी हिसाब से पालक लेके अच्छे से वॉश करके उबलते हुए पानी पे 2 से 3 मिनट के लिए आप बॉयल कर लीजिए। और इस टाइम गैस का फ्लेम भी आप ऑफ कर सकते हो, नहीं तो ज़्यादा ओवर कुक हो जाता है पालक। और अभी पालक को आइस कोल्ड वाटर पे डाल लीजिए गर्म पानी से उठा के। इससे क्या होता है, पालक का जो कलर है वो चेंज नहीं होता है, उसका कलर बरकरार रहता है। इसके लिए कोल्ड वाटर पे डालना पड़ता है पालक को, बॉइल्ड पालक को। फिर 1 से 2 मिनट ठंडा चिल पानी पालक को रखिए। और उसके बाद हल्का सा निचोड़ के एक ब्लेंडर जार पे डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए पालक का। पालक के पेस्ट पे अगर थोड़ा सा पानी हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बाद में जो एक्स्ट्रा पानी का ज़रूरत पड़ता है तो आपको उस टाइम पानी का एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैंने पहले से इधर कुछ तैयारी करके रख दिया था, एक प्याज, एक ग्रीन चिली क्यूब काट करके रखा हुआ पनीर और कुछ होल स्पाइसेस, और देख सकते हो पालक का प्यूरी। तो अभी कढ़ाई पे डालना है 2 चम्मच सरसों का ऑयल, आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हो। उस पर 1 चम्मच होल जीरा लेना है, 1 सूखी लाल मिर्च, 1/2 इंच दालचीनी और 1 तेज़पत्ता डाल के हल्का सा शैलो फ्राई करना है। जब मसाला से हल्का सा खुशबू निकलना चालू हो तब उस टाइम हमें इसमें डालना है 1 बड़ा साइज़ का प्याज, एकदम फाइन चॉप किया हुआ। मैंने 1 बड़ा साइज़ का प्याज को फाइन चॉप करके ऑलरेडी रख दिया था, और प्याज के ऊपर 1 हरा मिर्च को फाइन चॉप किया और थोड़ा सा नमक डाल के हल्का सा शैलो फ्राई करना है। और प्याज का कलर को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। जब प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तब उसमें डालना है हमें 1/2 इंच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट को 2 से 3 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम में फ्राई कर लेना है, जब तक उसका कच्चा स्मेल चला ना जाए। अभी डालना है 1 चम्मच जीरा और धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अभी फिर से 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में मसाला को अच्छे से फ्राई कर लेना है। और जब मसाला फ्राई हो जाए तब इसमें डालना है क्यूब कट किया हुआ पनीर। आप चाहे तो पनीर को कच्चा भी डाल सकते हो, लेकिन हमें एकदम कच्चा पनीर नहीं पसंद है, इसीलिए मैंने इस पे 2 से 3 मिनट के लिए मसाला के साथ पनीर को फ्राई कर रही हूँ। और टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। तो पनीर को 2 से 3 मिनट के लिए मसाला के साथ फ्राई करने के बाद हमें डालना है इसमें पालक का प्यूरी। और डालना है कटोरी को धो के, मैंने पालक का प्यूरी का जो पानी है, मतलब 1/2 कप से भी कम पानी है इसमें, इसमें मैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी बाद में नहीं यूज़ करूँगी। तो अभी 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में हमें इसको कुक होने देना है, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। अगर इसका कलर आपको ज़्यादा चेंज नहीं करना है तो आप 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर सकते हो। तो 4 से 5 मिनट बाद डालना है 1 क्यूब बटर और 2 चम्मच व्हिप्ड क्रीम, एकदम फ्रेश वाला जो क्रीम है वही डालना है। तो मैंने इधर 2 चम्मच क्रीम यूज़ किया है, आपके टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, यूज़ कीजिएगा। अभी क्रीम और बटर को 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसके साथ मिक्स करते हुए कुक कर लेना है। और 2 से 3 मिनट बाद हमारा सबसे इजीएस्ट और टेस्टी पालक पनीर का रेसिपी रेडी होके तैयार है। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये पालक पनीर का रेसिपी पसंद है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कभी भी मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करना, शेयर करना, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।